सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्कशॉप ये उपक्रम हम लेके आए हैं। आज के जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वही कल के आदर्श नागरिक बनने वाले हैं। इस हेतु से अभी इसी छोटे उम्र में ही उन पर हिंदू धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, राष्ट्र के बारे में अच्छे संस्कार हो, यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है। चलो फिर अब हम आज का हमारा संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परागपर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर ये प्रार्थना मन ही मन सभी बच्चे करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में बताए जाने वाले सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। इसके बाद अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ ये श्लोक कहने वाले हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ आप सभी को याद है ना? इस श्लोक का अर्थ है घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। चलो अब हम संस्कार वर्ग में आगे जाते हैं। आज भी हम देखने वाले हैं कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं। आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर ये संस्कार वर्ग देखते हो, उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हो। ये सारा केवल भगवान की कृपा से हो रहा है ना? चलो फिर आपने जो अन्य संस्कार वर्ग के सभी बच्चे हैं ना, उनके अनुभव अब हम देखेंगे। तो आज का पहला अनुभव भेजा है वो है नम्रता धारगलकर और संतोष कुमार राय। इन्होंने लिखा है कि उन्हें संस्कार वर्ग में बताई हुई कहानी बहुत अच्छी लगी। बाद में समृद्धि कामतकर ने लिखा है कि उसे गणेश जी का नाम जप करते समय गणेश जी का रूप दिखता है। संस्कार वर्ग में जो बोध कथा है और उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे उसे अच्छे लगते हैं और उसका उत्तर भी सही आता है, तो ये बहुत ही आनंद की बात है ना? हम जब ध्यान लगाकर
कहानी सुनते हैं और उसके बाद जो प्रश्न पूछते हैं उसका आप योग्य उत्तर दे देते हैं और इससे हमें आनंद भी मिलता है। तो सभी बच्चों को ऐसे ही अपने जो भी अनुभव है आपको कैसे लग रहा है ये अवश्य चैट बॉक्स में डालकर हमें बताइए और अपना अनुभव लिखने के बाद अपना नाम लिखना मत भूलिए। उसके साथ ही आपका संपर्क क्रमांक भी हमें दीजिए ताकि हम आपको संपर्क कर सके। बच्चों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग की कथा सभी को याद है ना? हमने कल द्रौपदी की थाली की कथा सुनी थी। उसने बहुत ही आर्तता से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, सभी को याद है ना? और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श कृति भी हमने देखी थी, मोबाइल का सदुपयोग कैसे करना चाहिए ये भी हमने कल देखा था। चलो फिर, अब आज की कहानी कौन सी है इसके बारे में सभी बच्चे सोचते होंगे। तो आज हम बहुत ही अच्छी और हमें त्याग सिखाने वाली शिबी राजा की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी सभी बच्चे ध्यान देके सुनेंगे क्योंकि आज भी हम अपनी कहानी हो जाने के बाद आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं और उसके बाद उसके पर्याय भी आपको दिखाई देंगे। 15 सेकंड में आपको उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये सोच के रखना है, ठीक है ना? चलो फिर, अब आज की कहानी हम आरंभ करते हैं। बच्चों, ये अति प्राचीन काल की एक कथा है। शिबी नाम का एक बहुत ही पराक्रमी राजा था। ये बहुत ही न्यायप्रिय थे और बहुत त्यागी भी थे। वो कभी किसी को निराश लौटाते नहीं थे। वो हर किसी को सहायता करते थे, उसकी मदद करते थे। ऐसे बहुत ही त्यागी ये शिबी राजा थे। सभी लोग उनकी निरंतर प्रशंसा करते थे। तो ऐसे करते करते उनकी ये जो कीर्ति है वो देवलोक तक पहुंची। सभी देवताओं को भी पता चला कि पृथ्वी पर शिबी राजा नामक कोई है और वो बहुत ही त्यागी है। तो ये सुनकर भगवान इंद्रदेव और अग्निदेव इन्होंने सोचा, क्यों ना हम शिबी राजा की परीक्षा लेते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, तो इंद्रदेव ने शेन पक्षी यानी बाज का रूप लिया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप लिया। फिर आगे क्या हुआ, तो उस कबूतर का पीछा शेन पक्षी कर रहा था उसे खाने के लिए और कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। फिर अपने प्राण बचाने के लिए कबूतर एकदम से शिबी राजा के राज्य गृह में पहुंच गया। वो शिबी राजा के राज दरबार में जब पहुंचा तो वो बहुत ही घबरा गया था, वो हाफ रहा था। शिबी राजा तो बहुत ही दयालु थे। उस कबूतर को देखकर उन्होंने उसको अपने गोदी में ले लिया, उसके पीठ पर उन्होंने प्रेम से अपना हाथ फेरा। कबूतर ने जब देखा कि राजा ने उसे गोद में लिया है तो वो राजा से कहने लगा, राजन, एक बाज मेरा पीछा कर रहा है और वो मुझे स्वयं का भोजन बनाना चाहता है, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये सुनकर राजा बोले, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अब मेरी शरण में आए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा, निश्चिंत रहो। और फिर कुछ ही समय बाद वहां पे वो शेन पक्षी भी आ गया, वो बाज वहां पे पहुंचा। उसने देखा कि शिबी राजा ने कबूतर को अपने गोद में ले लिया है।
तब वो बाज पक्षी बोलने लगा, राजन ये कबूतर तो मेरा भोजन है, मुझे अभी बहुत ही भूख लगी है, मैं अभी इसको खाने वाला हूँ और मेरी भूख मिटाने वाला हूँ, तो कृपया आप इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। परंतु तब शिबी राजा ने कहा, ये कबूतर मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना, इसके प्राण बचाना यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, इसलिए इस कबूतर को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम और कुछ भी जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसे सुनते ही वो शयन पक्षी कहने लगा, परंतु अभी मैं बहुत ही भूखा हूं और अगर आपने मेरा ये भोजन मुझसे छीन लिया तो आपको पाप लग जाएगा। ये सुनते ही शिबी राजा बोले, आप ऐसा बोल रहे हैं तो भी मुझे जो शरण आता है उसे मैं तुमको कैसे सौंप सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, परंतु तुम्हारे भोजन के लिए मैं और जो चाहिए वो तुम्हें दे सकता हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए भोजन के लिए? ऐसा राजा ने कहा तो फिर वो बाज बोला, ठीक है फिर आप एक काम करो, इस कबूतर का जितना वजन है ना उतना ही मांस मुझे भोजन में दे दो, वो मैं खा लूंगा और फिर मेरा भोजन हो जाएगा। शिबी राजा ने सोचा, इसको अब कबूतर के वजन का मांस देना चाहिए और इसके लिए मुझे किसी अन्य प्राणी या पक्षी को मारना ये तो उचित नहीं है। तो उसने मन ही मन कुछ तो सोचा और फिर उसने एक तराजू मंगवाया और उस तराजू के एक पल्ले में उसने एक कबूतर को रखा। और फिर बाद में राजा ने क्या किया पता है? फिर उसके बाद राजा ने तुरंत एक धारदार चाकू से अपने जांघ का मांस काटा और वो मांस निकालकर उसने तराजू के दूसरे पल्ले में रखा। परंतु वो मांस रखने पर भी कबूतर का पल्ला ही भारी था। फिर राजा ने और थोड़ा मांस निकाला और फिर से पल्ले में रखा। परंतु बच्चों, जैसे जैसे वो मांस निकालकर पल्ले में रखते थे फिर भी कबूतर का जो पल्ला था वही भारी हो रहा था। अब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, परंतु वो अपना वचन निभाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, तो जब मांस रखकर भी वो पल्ला नीचे नहीं जा रहा था तब राजा स्वयं उठकर उस पल्ले में बैठने के लिए जा रहे थे। राजा का ये परम त्याग देखकर फिर वो जो कबूतर और शयन पक्षी थे उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, याने शयन के रूप में जो थे इंद्रदेव वो प्रकट हुए और कबूतर के रूप में जो अग्निदेव थे वो भी सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और वो कहने लगे, हे शिबी राजा, आप सच में बहुत ही त्यागी हैं, बहुत ही दयालु हैं, आप सच में बहुत ही धन्य हैं। हम आपकी परीक्षा लेने हेतु यहाँ पे आए थे और आप इस परीक्षा में खरा उतरे। ऐसे कहकर आशीर्वाद देकर फिर वो दोनों चले गए। बच्चों, ये कहानी सभी ने ध्यान से सुनी ना, शिबी राजा कितने त्यागी थे, कितने दयालु थे, जो भी उनके शरण में आता था उनकी रक्षा वे निरंतर करते थे। चलो फिर अब इस कथा से जुड़ा एक प्रश्न सभी को स्क्रीन पर दिखाई देगा, सभी बच्चे ध्यान से ये प्रश्न पढ़ना। तो आज का प्रश्न है,
राजा शिबी की परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव ने किस पक्षी का रूप धारण किया था? और उसके विकल्प है कबूतर, दूसरा पर्याय है शेन अर्थात बाज पक्षी और तोता। सभी बच्चों ने योग्य उत्तर के बारे में सोच कर रखा है ना? तो इस प्रश्न का योग्य उत्तर है इंद्रदेव ने शेन पक्षी अर्थात बाज का रूप लेकर वो शिबी राजा के सामने आए थे और उन्होंने उनकी परीक्षा ली। बहुत सारे बच्चों ने इसका योग्य उत्तर दिया है तो सभी का अभिनंदन। अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर अब हम नामस्मरण करेंगे। सभी तैयार है ना? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 श्री गणेश जी का ये नाम जप करके सभी को अच्छा लगा ना? तो आपको क्या महसूस हुआ ये आप अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। अब हम बाल संस्कार वर्ग के आगे की सत्र की ओर जाने वाले हैं। बाल मित्रों, आज की जो आदर्श कृति है ना, वो आज की हमारी कहानी से ही जुड़ी हुई है। आज की कहानी से हमने क्या सीखा? वो जो शिबी राजा थे वो कितने त्यागी थे ना? तो आज हम त्याग का महत्व जान के लेने वाले हैं।
हमें त्याग क्यों करना चाहिए ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले त्याग यानी क्या, ऐसे आपको लगा होगा। त्याग इसका अर्थ है हमें जो वस्तु अच्छी लगती है, उदाहरण स्वरूप कोई खाद्य पदार्थ, ऐसे कोई भी वस्तु दूसरों को देना, यानी दूसरों को वो वस्तु देने के लिए हम उसका त्याग करते हैं, इसे कहते हैं त्याग। और जो व्यक्ति ऐसे नहीं करते तो उसे स्वार्थी ऐसे कहलाया जाता है। स्वार्थीपन ये बहुत ही बड़ा दोष है और वो अच्छा नहीं है। ये दोष हमें मिटाना चाहिए। और स्वार्थीपन दोष हमें हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें त्याग ये गुण हमें अपने में लाना चाहिए। क्योंकि जो स्वार्थी व्यक्तियां रहती है ना, उन्हें दूसरों के दुख से, दूसरों के कष्ट से दुख नहीं होता, वो निरंतर स्वयं के आनंद के लिए ही जीते हैं, वो अपना ही विचार करने में मग्न रहते हैं। तो ऐसे हमें नहीं बनना है। और बच्चों इसी स्वार्थ के कारण आगे जाकर चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, ये सारी बुरी आदतें लग जाती है। तो अब हम हमारे इसी छोटे से उम्र से ही त्याग का महत्व जान कर लेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ही सुंदर उदाहरण देखेंगे। तो ये कहानी है विनू नाम के एक छोटे से बच्चे की। विनू सातवीं कक्षा में पढ़ता था। उनके घर के सामने कटहर का एक बड़ा सा पेड़ था और पहली बार उस पेड़ को कटहल लगे थे। थोड़ी ही दिनों में वो कटहल अच्छे से पक गए। तो फिर विनू के माँ ने वो कटहल पेड़ से निकाले और उसकी गिरिया उन्होंने निकाली। और फिर उन्होंने विनू को बोला, विनू बेटे एक काम करना, तुम पाश दोने तैयार करना। बच्चों दोने याने पेड़ के पत्तों से किया हुआ कटोरा, तो उसे कहते हैं दोने। तो फिर विनू ने वैसे ही किया। उसने जल्दी ही पाश दोने तैयार किए और वो माँ के पास आ गया। फिर माँ ने वो जो गिरिया निकाली थी उसमें से थोड़ी थोड़ी गिरिया हर एक दोने में डाल दी। विनू को लगा अच्छा हुआ, अब सबसे पहले माँ मुझे ही ये गिरिया खाने के लिए देगी। परंतु माँ ने क्या किया, माँ ने एक दोना विनू के हाथ में दिया और वो बोली, विनू ये दोना भगवान के सामने रख के आना और प्रणाम भी करना। विनू ने सोचा ठीक है और फिर उसने वैसी कृति की और वो दौड़ते दौड़ते बाहर आया। उसे लगा अब माँ मुझे देगी, परंतु माँ ने उसके हाथ में और दो दोने दिए और माँ बोली, विनू एक काम करना, अब ये दो दोने हमारे गली में वो चाची है ना, उन दोनों चाचियों को देके आओ। विनू बोला ठीक है और फिर वो गली में जाकर वो दो दोने देकर आया। बाद में माँ ने फिर से एक दोना विनू के हाथ में दिया और माँ बोली, अब ये जो दोना है ना, वो हमारे जो दादाजी रहते हैं ना गली के वहां, उन्हें देकर आ। विनू फिर से गया, माँ की वो सुनता था सब, इसलिए वो दोना देकर तो आया, परंतु लौटते समय वो बहुत ही क्रोधित हो गया था। वो जैसे ही घर पे आया, माँ ने वो बचा हुआ एक दोना था ना, उसमें से एक गिरी निकाली और विनू को खिलाई। विनू ने वो खा ली, परंतु उसने माँ से पूछा, माँ ये कटहल का पेड़ तो हमारा है ना, तो पहले मुझे कटहल का ये गिरिया देनी चाहिए थी, परंतु तुमने तो सभी को गिरिया बांटी
और अंत में मुझे दी, ऐसा क्यों किया? विनु का ये जो प्रश्न था, ये सुनकर माँ मन ही मन मुस्कुराई और बहुत ही प्रेम से वो विनु को समझाने लगी। बेटा विनु, ये जो हमें कटहल की गिरिया मिली है, वो हमें किसने दिया? विनु बोला, कटहल का पेड़ है हमारे आंगन में, इसलिए हमें वो गिरिया मिली। तो फिर माँ बोलने लगी, परंतु ये कटहल का पेड़ हमारे घर के सामने बढ़ा, तो उसको किसने बढ़ाया? तो भगवान ने बढ़ाया ना। विनु, हमें ये सब भगवान ने दिया है ना, तो केवल हम ही फल खाएंगे, ये अच्छा नहीं है ना, इसलिए हमें सभी को देना चाहिए और फिर बाद में स्वयं खाना चाहिए। माँ की ये बात विनु को पक्के से ध्यान में रख गई और फिर बाद में विनु ने मैं, मेरा, मुझे ये शब्द कभी भी नहीं निकाले। और बाल मित्रों, यही छोटा विनु आगे जाकर आचार्य विनोबा भावे इस नाम से प्रचलित हुए। तो ये जो सारे हमारे महापुरुष है ना, तो वो बचपन से ही ऐसे अच्छे संस्कारों में पले बढ़े हैं, इसलिए वो बड़े होकर अच्छे हो गए। तो अभी आप सभी बच्चे भी ऐसे ही हो, आप ये संस्कार वर्ग सुनते हो, उसके अनुसार आचरण करते हो। तो हम सभी बच्चों को भी बड़े बनकर ऐसे ही होना है, त्यागी बनना है, राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी बनना है ना। तो ये था त्याग के बारे में एक छोटा सा उदाहरण। अब हम देखते हैं त्याग करने से हमें क्या लाभ होता है। त्याग करने से सबसे पहला लाभ ये है कि हमें आनंद मिलता है। बच्चों, जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कोई भी अच्छी वस्तु हो, वो जब दूसरे को देते हैं, तो दूसरे के मुख पर कितना संतोष दिखाई देता है ना, उसे कितना आनंद होता है और वो देखकर हमें भी आनंद लगता है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा लाभ है। और उसके साथ ही त्याग करने से बहुत से गुणों की वृद्धि हमारे मन में होती है। जब हम कोई भी वस्तु का संचय करते हैं, यानी वो इकट्ठा करते हैं, तो उसके कारण हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है और हमारा मन संकुचित हो जाता है। परंतु जब हम त्याग करते हैं तो क्या होता है? तो त्याग के कारण हम दूसरों की सहायता करते हैं, हम दूसरों का विचार करने के लिए सीखते हैं, हमारे मन में परोपकार आता है। तो ये सारे गुण केवल त्याग करने से हमारे मन में आ सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा लाभ है, तो उसका भी हम छोटा सा उदाहरण देखेंगे। आनंद और विनय, ये दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तो एक बार ये सारे बच्चे घूमने के लिए लोनावला गए थे, परंतु उस समय विनय की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए विनय नहीं गया था। जब सभी बच्चे वहां पे गए ना, तब शिक्षकों ने सभी को दो दो चॉकलेट दिए थे। अन्य सभी बच्चों ने वो चॉकलेट तुरंत खा लिए, परंतु आनंद ने क्या किया ना, उसने एक चॉकलेट स्वयं खा लिया और दूसरा चॉकलेट उसने बहुत ही अच्छे से रख लिया। बाद में दूसरे दिन जब वो पाठशाला आया ना, तब उसने वो दूसरा चॉकलेट विनय को दे दिया। तो ये देखकर विनय को बहुत ही आश्चर्य लगा और आनंद भी लगा और वो दोनों बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र बन गए। तो ये जो घनिष्ठ मैत्री थी, तो उसके लिए क्या किया आनंद ने, सिर्फ दो चॉकलेट में से एक चॉकलेट उसने अपने मित्र को दे दी और उसे बहुत ही अच्छा मित्र मिल गया। तो इससे समझ आ रहा है ना,
जब भी देते हैं ना वो महत्वपूर्ण है। लेने की अपेक्षा देने में बहुत आनंद रहता है। और इस त्याग का उदाहरण ना हम सृष्टि में से बहुत सारे चीजों से सीख सकते हैं। जैसे सूर्य भगवान रहते हैं ना, तो सूर्य हर दिन ऊपर आते हैं, हम सभी को प्रकाश देते हैं और दिन भर हमें ये प्रकाश ऊर्जा देने के लिए वो तपते रहते हैं, इसलिए वो हमें वंदनीय रहते हैं। और उसके बदले वो कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, उनके कारण ही पूरे संसार का ये कार्य चलता रहता है। दूसरा हम उदाहरण देख सकते हैं नदी का। नदी आपने देखी है ना बाल मित्रों, बहती जाती है और वो बहती जाते जाते क्या करती है, तो जो भी लोग बीच बीच में आते हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था वो करती है, वो भी उनसे कोई अपेक्षा नहीं करती। और इसीलिए नदी को पवित्र माना जाता है। परंतु अगर हम तालाब का देखें तो क्या होता है, तालाब पानी का संचय करके रखता है, उसके कारण थोड़े ही दिनों बाद वो पानी सूख जाता है। इसलिए संचय करने की अपेक्षा त्याग करने से हमें ज्यादा आनंद मिलता है। ऐसे ही पेड़ों का है, वृक्षों का है। पेड़ यात्रियों को घनी छाव देते हैं, उनको फूल देते हैं, फल देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं सृष्टि में जिनसे हम त्याग सीख सकते हैं। तो सभी को त्याग का महत्व समझ में आया ना? तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे त्याग कर सकते हैं, हम क्या करेंगे जिसके द्वारा त्याग ये गुण हम अपने में ला सकते हैं। त्याग की वृत्ति हम में निर्माण हो, इसलिए हम घर पे क्या कर सकते हैं? तो घर में माँ स्वादिष्ट पदार्थ बनाती है ना, तो वो पदार्थ हम पहले घर के अन्य सदस्य इन सभी को देंगे और उसके उपरांत हम स्वयं खाएंगे। तो इससे हम त्याग सीख सकते हैं। और हम जब घर में कुछ खा रहे हो और तभी कोई हमारे घर में आए ना, तो उसको भी हम खाने के लिए दे सकते हैं। बाद में हम खेलते हैं और खेलते समय माँ हमें कुछ तो काम बताती है, तो हमें अगर त्याग लाना है तो हम क्या करेंगे, हम खेलने का कुछ समय के लिए त्याग करेंगे और तुरंत माँ के पास जाकर वो काम हम पूरा कर लेंगे। बाद में हमारे घर में हमारे कोई छोटे भाई बहन होते हैं और उन्हें भी माँ के पास सोना रहता है और हमको भी लगता है कि हम भी माँ के पास सोए, परंतु हमें पहले अपने छोटे भाई बहनों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें माँ के पास सोने के लिए हम दे सकते हैं। अपनी जो भी प्रिय वस्तु है या कोई अच्छा खिलौना है, वो अगर हमारे छोटे भाई बहन मांगते हैं तो हमें वो उन्हें तुरंत देना चाहिए। हमारी साइकिल हो तो वो भी हम अपने भाई बहनों को चलाने के लिए देंगे। तो ये एक छोटे छोटे उदाहरण है, इसके जरिए हम त्याग अपना सकते हैं। अब बाद में हम जब बाहर जाते हैं ना यात्रा के लिए, तो वहां पे हम कैसे करेंगे? तो यात्रा में हम बस से या गाड़ी से जाते हैं, तो सभी को खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है ना? परंतु अगर आपकी सहेली मित्र वो आपसे बोले कि उन्हें खिड़की के पास बैठना है, तो हम उन्हें खिड़की के पास बैठने के लिए जगह दे सकते हैं। ये हुआ त्याग। और यात्रा में अगर किसी को ठंड लग रही है तो हम अपनी शॉल अपना स्वेटर उन्हें दे सकते हैं। अगर यात्रा में बहुत भीड़ है तो हम क्या करेंगे, जो भी स्त्रियां है या फिर वृद्ध व्यक्ति है, तो उन्हें हम स्वयं का आसन बैठने के लिए देंगे।
और फिर हम स्वयं खड़े रहेंगे। तो ये कुछ उदाहरण हमने देखे जिसके द्वारा हम त्याग अपना सकते हैं। हम और थोड़े महत्वपूर्ण बात देखेंगे, त्याग हम और कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे घर के पास कोई मंदिर हो तो हम उस मंदिर की स्वच्छता कर सकते हैं। वहां पे कोई कीर्तन प्रवचन रहता होगा तो उसके पहले हम वहां पे नीचे बैठने के लिए आसन डाल सकते हैं और अपने मित्रों को सहेलियों को उस प्रवचन में लाने के लिए हम बोल सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा? तो ये होगा अपना शरीर का त्याग, क्योंकि हमने ये जो सेवा की उसमें हमारा शरीर था और उसका त्याग हो गया। उसके बाद हम जब नाम जप करते हैं ना, तो हम दूसरे विचार नहीं करते। तो जब नामस्मरण करते हैं या फिर भगवान ईश्वर के बारे में हम कुछ विचार करते हैं तो वो हुआ अपने मन का त्याग। सभी के ध्यान में आ रहा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने देखा शरीर का त्याग और मन का त्याग, और हम कैसे त्याग कर सकते हैं? तो बहुत बार अतिथि हमारे घर पे आते हैं और वो कुछ मिठाई के लिए हमें पैसे देते हैं, या फिर आपको पुरस्कार स्वरूप भी कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये सारे पैसे इकट्ठे कर हम क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करने वाली जो भी संस्था हो तो उसे हम ये पैसे अर्पण कर सकते हैं। इससे हमारे धन का त्याग होगा। हमारे पास बुद्धि भी रहती है ना, तो इस बुद्धि का उपयोग हम कोई भी सेवा और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में करेंगे। हम जब ईश्वरीय सेवा के लिए हमारे बुद्धि का उपयोग करते हैं ना, तो वो बुद्धि सात्विक हो जाती है और ऐसे करने से हमारे बुद्धि का त्याग हो जाता है। और अंत में हम जो भी कृति करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, तो वो कृति हम नहीं करते, तो स्वयं ईश्वर ही हमसे ये सेवा करवा के ले रहे हैं। ऐसा हम जब विचार करेंगे तो अपने आप ही हमारे अहम का, यानी क्या, हमारा जो गर्व रहता है, अहम रहता है, उसका त्याग हो जाएगा। तो ये जो पांच सूत्र हमने देखे ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने क्या देखा? तो तन मन धन बुद्धि और अहम, ये पांच चीजें हमें ईश्वर के प्रति त्याग करनी चाहिए और तभी हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। और त्याग की वृत्ति हमारे मन में अच्छे तरीके से आ सकती है। तो सभी बच्चे अब त्याग करने का प्रयास करेंगे ना? बाल संस्कार वर्ग में अब हम आगे के सत्र की ओर जाते हैं। अब हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। आपके पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठना और उसे देखकर ये स्तोत्र हम कहेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और पूरा मन एकाग्र करके श्री गणेश जी का जो रूप है ना, कितना अच्छा रूप है। उनकी सूंड, उनके हाथ में मोदक रहता है, एक हाथ से वो आशीर्वाद देते हैं। ये सारा उनका रूप हम आंखों के सामने लाएंगे और ये गणपति स्तोत्र अब हम सुनेंगे। चलो फिर अब गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च
षष्ठं विकटमीव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र कह के अच्छा लग रहा है ना? और घर पर भी हमें ये स्तोत्र अवश्य कहना चाहिए। तो आज के इस संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा? आज की कहानी और आदर्श कृति दोनों भी अच्छी थी ना, जिससे हमने त्याग यही महत्वपूर्ण गुण आज सीखा है। शिबी राजा की कहानी से हमने त्याग कैसे करना चाहिए उसका उदाहरण देखा, और उसके बाद त्याग इस गुण को स्वयं में लाने के लिए हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, उसका क्या महत्व है, ये भी हमने जान के लिया। और ये सभी ज्ञान हमें ईश्वर के कारण मिला है। तो अब हम उसी भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़कर शरणागत भाव से ये कृतज्ञता मन ही मन करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये बाल संस्कार वर्ग सुनकर सभी को आनंद लगता है ना? तो यही आनंद हमें अन्यों को भी बांटना चाहिए, इसलिए इस संस्कार वर्ग के बारे में अपने सभी मित्रों को, अपने सभी सहेलियों को अवश्य बताना। उसके साथ ही आपको ये संस्कार वर्ग कैसे लगा ये आप हमें भी बताइए। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी आप अवश्य भेज दीजिए। चलो फिर बाल मित्रों, कल फिर से बहुत ही अच्छी कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से ठीक 11:15 बजे हम सभी फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।